ओके सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन योर चैनल वशिष्ठ एकेडमी। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो लोग क्लास 11th में हैं। यस, क्लास 11th में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं या ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि क्लास 12th में जाके कंटिन्यू होते हैं, यानी कि उनके बड़े वर्जन चैप्टर आते हैं या फिर उनके कुछ कंसेप्ट यूज़ करे जाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 12th की परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है टू सेलेक्ट टू ऑप्ट योर फेवरेट कॉलेज, जो भी आपने कॉलेज सोच रखा है DU का या कहीं का भी, ठीक है ना। तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा मैटर करती है, प्लस इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। तो उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी आप क्लास 11th में, तो अभी से आपकी क्लास 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए थोड़ी थोड़ी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, बट उसकी जगह पे आप चीजें वो उन चीजों पर उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करिए जो कि क्लास 12th में यूज होने वाले हैं। तो हम जानने वाले हैं क्लास 11th के ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो 12th में जाके कंटिन्यू होते हैं या उन्हें दोबारा से पढ़ना पड़ता है या क्वेश्चन में उनकी एप्लीकेशन आती है। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th का है हमारा लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। अगर आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव्स वीक है तो पूरी कैलकुलस आपकी बिगड़ सकती है सिर्फ एक चैप्टर की वजह से। तो आप पूरी 11th में कुछ करो या मत करो, लिमिट और डेरिवेटिव अपना इतना स्ट्रांग कर लो, क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका लिमिट और डेरिवेटिव होगा उतना स्ट्रांग आपका कैलकुलस होता जाएगा। कैलकुलस एक सीरीज है बेसिकली। अगर आपको देखिए, अगर आपको लिमिट डेरिवेटिव आता है तो आप डिफरेंशिएशन सीख जाओगे, डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन सीख जाओगे, इंटीग्रेशन आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन सीख जाओगे। तो इस तरीके से जो ये हमारी कैलकुलस है ये एक सीरीज में काम कर रही है, ठीक है ना। और चैप्टर्स देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लिमिट एंड डेरिवेटिव, उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी जो कि 12th में कंटिन्यू होता है, 11th में भी है, 12th में भी है। 12th में 8 नंबर का आता है प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस आपकी 35 मार्क्स की आती है, तो 35 मार्क्स आप मजाक में मत लीजिएगा। उसी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी हो गया। एक जो है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज होता है, cos 2x का फॉर्मूला, tan 3x का फॉर्मूला, जो आपने 11th में फॉर्मूले पढ़े हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो आपको याद हो, ठीक है ना, वो आपको याद होने चाहिए क्लास 12th के लिए। इसी के साथ साथ रिलेशन फंक्शन और सेट, जो दोनों चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं, रिलेशन फंक्शन और सेट्स, क्योंकि ये आगे जाके एक चैप्टर आएगा 12th में रिलेशन फंक्शन, वो भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है 4 से 5 मार्क्स की एज एन इंडिविजुअल चैप्टर। हालांकि ज़्यादा टफ नहीं है बट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सेट की एप्लीकेशन बहुत बार आएंगी आपके सामने। तो और प्रोबेबिलिटी में भी आएगा, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह 12th की प्रोबेबिलिटी में, तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, ठीक है। इसी के साथ साथ इन चैप्टर्स के आपको जो मैंने नीचे लिखे हैं इनके बेसिक फॉर्मूला और कंसेप्ट पता होने चाहिए क्लास 12th के लिए, जैसे कि स्ट्रेट लाइन्स के कंसेप्ट, कॉनिक सेक्शन के और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन में भी सिर्फ कॉम्बिनेशन के। चलिए ठीक है सर, आपने बता दिया ये इंपॉर्टेंट है, आप वो चैप्टर बता दो जो बिल्कुल काम नहीं आते या बहुत ही कम यूज होता है, तो वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपका क्लास 12th में नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, बस क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी में जाके स्टैंडर्ड वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस का फॉर्मूला यूज होता है, वो आप लोग वहाँ पे जाके सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। उसी के साथ 3D अगर आप 11th की नहीं भी करते, हालांकि 12th में 3D रिपीट होती है, बहुत तगड़ा चैप्टर है वो, टफ तो नहीं कहेंगे बट हाँ फॉर्मुलेटिव बहुत है, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज है और आंसर बहुत लेंदी होंगे उसमें, एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा। पर 11th की 3D अगर आपको आती है नहीं आती तो दोनों बात बराबर है, क्योंकि 11th की 3D उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो आपका चैप्टर है वो बिल्कुल यूज नहीं होता। PMI भी कह सकते हैं हल्का सा यूज होता है उसका, वो भी जो मिसलेनियस में जो क्वेश्चन आता है ना PMI का, K+1 K^n+1 वाला, वो बोले शायद से एप्लीकेशन आपकी यूज़ होती है, वो भी डिटर्मिनेंट में या डिफरेंशिएशन में, इन दो टॉपिक्स के अलावा नहीं होती। लास्ट में बाइनोमियल थ्योरम का केवल आपको वो सबमिशन वाली जो सीरीज है ना NCR, ठीक है ना, A की पावर और B की पावर N-R और R,
ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहली बात लिमिट डेरिवेटिव ज़रूर पढ़ लो, प्रोबेबिलिटी ज़रूर पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री ज़रूर कर लो, आर एंड एफ और रिलेशन फंक्शन और सेट्स कर लो, बहुत ईजी हैं, और इनके बेसिक कंसेप्ट याद कर लो तो आप क्लास ट्वेल्थ के लिए ऑलमोस्ट 10% आप वहीं पे तैयार हो जाओगे जहां आपने 11th की बेसिक एलजेब्रा स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है ना। तो क्लास 12th में बाकी मैं तैयारी करवा ही रहा हूँ, क्लास 12th की भी वीडियोस देखते हो और चैनल को शेयर कराओ यार, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, आप लोग इतना देख नहीं रहे हो। आई नो आप 11th में हो, मैं 11th की वीडियो कम डाल रहा हूँ, बट प्लीज़ सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग इस साल 12th में खुद भी आओगे तो आप चाहोगे कि मैं और अच्छा आपको अपना परफॉर्मेंस दे पाऊँ, तो उसके लिए चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।